नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो मैंने विषय लिया है वो है रिलेशनशिप, यानी पति पत्नी के संबंध। इसकी दिशा कौन सी होती है, आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा और कुछ ऐसी खास बातें बताना चाहूँगा जिसे आप अच्छे तरीके से सुने, समझे और विचार करें। पति पत्नी के संबंध आपस में अच्छे नहीं है तो क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से इस तरह की दिक्कत आती है जिससे कि आपसी संबंध खराब होने के कारण बन जाते हैं, मनमुटाव हमेशा बने रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसकी वास्तुशास्त्र में घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना, इसे हम दक्षिण पश्चिम का कोना भी कहते हैं, जब साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोने में वास्तु दोष बनता है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंध में फर्क आना शुरू हो जाता है। बेवजह का मनमुटाव होता है, कलह होता है और आपस में एक दूसरे की बात समझना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है अगर कोई व्यक्ति, पति कोई बात कहता है या पत्नी कोई बात कहती है तो दोनों को एक दूसरे की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरे लिए हमेशा ही नेगेटिव बोलते हैं, इनको मेरी बात कोई भी अच्छी नहीं लगती। वो पति की भी हो सकती है और पत्नी की भी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोने में वास्तु दोष होता है तो इस तरह की दिक्कत आती है, आपस में नहीं बनती। क्या क्या दिक्कत आ सकती है साउथ वेस्ट, जब साउथ वेस्ट कॉर्नर नीचा होता है, किसमें, फर्श के लेवल में, तब इस तरह की दिक्कत आती है। फर्श यानी फ्लोर के लेवल में, छत के लेवल में भी साउथ वेस्ट का भाग नीचा होता है तो भी पति पत्नी के संबंध में दिक्कत आती है। छत के लेवल में जैसे नॉर्थ का भाग ऊंचा हो गया या ईस्ट का भाग ऊंचा हो गया या वेस्ट का भाग ऊंचा हो गया, लेकिन जो साउथ वेस्ट भाग है वो छत के लेवल में नीचा रह गया, तो इस तरह की दिक्कत आती है। साउथ वेस्ट के भाग में छत पर पानी बहता है, पानी कैसे बहेगा, जब पानी की टंकी साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखी है और वो ओवरफ्लो होती है और छत को गीली करती है तो उसके कारण भी पति पत्नी में आपसी मनमुटाव हो जाता है। ये तो हो गए हमारे जो एक बाहरी वास्तु है वो। अब सपोज कीजिए आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम बना हुआ है और आप उस रूम में रहते हैं, आपने अपने उस रूम के अंदर दर्पण लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, दर्पण यानी मिरर, लुकिंग ग्लास साउथ वेस्ट के कमरे में आपने लगाया है और वो मिरर आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट वॉल पर या साउथ वॉल पर, या साउथ में या साउथ वेस्ट में या वेस्ट वॉल पर मिरर लगाया हुआ है तो भी आपस में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते, उनमें मनमुटाव हमेशा ही बना रहता है। साउथ वेस्ट का कमरा तो बन गया लेकिन साउथ वेस्ट के कमरे में नॉर्थ की वॉल पर अलमारी लगा रखी है। अलमारी कौन सी, आपने गोदरेज की अलमारी लगा रखी है या आपने वहां पर लकड़ी की अलमारी बना रखी है, कौन सी वॉल पर, नॉर्थ वॉल पर, या ईस्ट वॉल पर, कहां पर, ईस्ट वॉल पर अलमीरा बना रखी है तो भी वास्तु दोष बन जाता है जिसके कारण पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते। साउथ वेस्ट में यानी जो रूम बना हुआ है, रूम का जो साउथ वेस्ट का हिस्सा है यानी नैऋत्य कोने में, आपके साउथ के भाग में या वेस्ट के भाग में ओपन एरिया है और उसके साउथ वेस्ट में एक आपने डोर ओपन कर रखा है, दरवाजा खोल रखा है तो उसके कारण भी मनमुटाव हमेशा बने रहेंगे। जो बात आज मैंने आपको बताई है, इतने खास पॉइंट आपको बताए हैं जो घर के अंदर पति पत्नी के संबंध खराब करता है, आप अपने घर के अंदर इन
पॉइंट्स को सही कर लेते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट के कमरे में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ की दीवार पर या वेस्ट की दीवार पर डोर लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, तो आप उस दरवाजे को लॉक करें और उसके चारों तरफ टेप लगाकर उसको अच्छे तरीके से सील कर देंगे, पैक कर देंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब कई बार देखने में आता है कि वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में विंडो भी लगी होती है, डोर नहीं लगा हुआ लेकिन विंडो लगी हुई है, खिड़की लगी हुई है, तो उस खिड़की को भी अच्छे तरीके से पैक करें। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपको रिलैक्स मिल जाएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जिसको हेल्थ इश्यूज है और उसके यहाँ सिर्फ अकेली एक ही विंडो है, तो उस विंडो को आपने मिनिमम टाइम ओपन करना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जरूर चाहिए। यदि आप रूम बदल सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप अपना साउथ वेस्ट का कमरा बदलकर कोई वेस्ट में रूम है तो उसमें चले जाएं, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की ओर रूम है तो आप उस रूम में भी रह सकते हैं। लेकिन जो साउथ वेस्ट का रूम है, यदि आपको हेल्थ इश्यू है और साउथ वेस्ट में विंडो लगी हुई है, तो उस विंडो को जो पैक करते हैं तो ये मान के चलिए आपके रूम के अंदर वेंटिलेशन आने का सिस्टम सारा बंद हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना रूम बदलें। और आपको हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर का डोर और विंडो बिल्कुल परमानेंट बंद कर दें, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण कहलाता है और यह पितरों का स्थान भी होता है और यह राक्षसी स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ से जितनी हवा क्रॉस होती है, अंदर आती है या बाहर जाती है, तो उससे हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट में आपने दर्पण लगा रखा है साउथ वॉल पर या वेस्ट वॉल पर, तो आप उस दर्पण को हटाएंगे, लुकिंग मिरर को हटाएंगे, तो भी आपके आपसी संबंध अच्छे होते चले जाएंगे। अब छत के ऊपर पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से पानी बहता है, तो आप उस पानी जो बहता है उसकी ब्लॉकेज करें। ब्लॉकेज कैसे करें, ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए जिससे कि छत के ऊपर पानी और फ्लो होके ना बहे, कोई अलार्म लगाए जिससे कि पानी का एक लेवल टंकी के अंदर आने के बाद आपको वो अलार्म सुनाई दे, ताकि आप अपनी मोटर को बंद कर दें। छत के ऊपर पानी बहना भी बंद कर देंगे तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। साउथ वेस्ट का फर्श नीचा है तो इसको ऊंचा कराते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही फर्श और छत का लेवल नीचा है तो इसे भी ऊंचा कराते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिर्फ आपसी संबंध ही नहीं, घर के अंदर फाइनेंस से संबंधित भी समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपकी दूर होती चली जाएगी, जब आप अपने घर के साउथ वेस्ट जोन को यानी नैऋत्य कोने को सही करेंगे। नैऋत्य कोना सही होता है, दक्षिण पश्चिम का कोना सही होता है, साउथ वेस्ट जोन सही होती है तो घर के अंदर हर प्रकार का सुख मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। मैंने खूब देखा है अपनी लाइफ में, जब साइट पर साइट विजिट के लिए जाते हैं वहां देखते हैं हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, वहां सिर्फ साउथ वेस्ट जोन को यानी नैऋत्य कोने को मजबूत करवा देते हैं। मजबूत कैसे कराते हैं, वहां पर कोई सामान रखवा देते हैं, हल्का है तो सामान रखवा कर उसे भारी कर दिया, नीचा है तो वहां पे फ्लोर लेवल ऊंचा कराकर साउथ वेस्ट कोने को सही करा देते हैं। छत के लेवल में नीचा है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक पाइप लगा देते हैं, पाइप लगाने से साउथ वेस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है। ऐसे इस तरह के छोटे छोटे उपाय कराकर साउथ वेस्ट कोने को सही करा देते हैं, जिससे कि घर के अंदर खुशहाली आ जाती है। आप जरूरत से ज्यादा परेशान है, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अपने घर की एक दिशा साउथ वेस्ट जोन को सही जरूर कर लें। उसे सही करते ही आपके सारे सिस्टम ठीक होते चले जाएंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप और वीडियो बनाकर भेजेंगे तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या नई साइट बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल हैं, पेड रहेंगी।
हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं या आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को समय पर पूरा करने और वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखा है और हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे पढ़कर सीखा है। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।